बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा के साथ मैं हूं अमारा रबानी। पुराने वक्तों में एक मुहावरा बड़ा मशहूर था कि कोई बूढ़ा हो जाता था तो उसे कहा जाता था कि 17-72 हो गया, यानी इसके बाद समझा जाता था कि शायद अब इसकी समझ बूझ कम काम करती है। लेकिन आज मामला कुछ इस तरह है कि 17-72 होने के बाद मामला कुछ ज़्यादा समझ आ रहा है, यानी ये 72 साल वो हैं जो कश्मीर को हो गए हैं, तो आज मामला ज़्यादा वाज़े है। उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, कहीं पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कहीं पे मीडिया का बहुत ज़्यादा सामने आना, कहीं पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कहीं पे लॉबिंग का स्ट्रॉन्ग होना, तब जाके 72 साल बाद कश्मीर का इशू सही तौर पे समझ आ रहा है या नज़र आ रहा है। आज नज़र आ रहा है कि 47 में वो 2.5-3 लाख कश्मीरी मुसलमानों को कैसे जंगल में बुला के और ज़िबह किया गया था, ये आज 72 साल बाद ऐसी बहुत सी हकीकतों पर से पर्दे उठ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो चीज़ नज़र आ रही है वो आज काविश नज़र आ रही है, जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से की बहैसियत एक अमन के पसंद करने वाले मुल्क के, कि उसने अमन की बात की, बाहरा बात की, लेकिन आज बिलाखिर ये कहने पे मजबूर हो गए कि अब इनफरादी तौर पे, एक तरफा तौर पे अमन की बात हम नहीं करेंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 13 से 14 मुल्कों के सरबराहान से मिलते हैं, उसके अलावा बहुत सी बातचीत करते हैं, कश्मीर का मुद्दा बयान करते हैं और हमारे सफीर भी 37 के करीब ममालिक से राबते करते हैं। ये एक वो स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है जो आज 72 साल बाद एक तरह से बहुत ही जहद के साथ की जा रही है। उसके बाद आज मीडिया को देखते हैं तो वो भी एक नई रविश पे है, वो रविश जो स्टेट सेंट्रिक यानी कि रियासत के मुफाद में जाती है या अपने लोगों के मुफाद में जाती है, और कश्मीरी यकीनन हमारे लोग हैं और हम उनके हैं, कश्मीरी शारक है, और यही बात आज हम वाज़े कर देना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए और हमें क्या करना होगा, इस सिलसिले में बात करते हैं, क्योंकि और करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज हमारे पड़ोस में बैठा हुआ जो मुल्क है उस पर एक वो माइंडसेट हुकूमत कर रहा है जिसने अपने ही लीडर को, गांधी को भी मार दिया था। इसी माइंडसेट ने आज बहुत से कम्युनल फसाद भी बरपा किए हुए हैं। हमने उससे कैसे लड़ना है या भिड़ना है या बात करनी है, मामला कैसे करना है, इसके बारे में आज हम और मज़ीद बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेर अली अरबाब साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, खुशामदीद। हमारे साथ शामिल है नवाज अली साहब, सीनियर तजियाकार है, अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफीर है, सीनियर तजियाकार है, खुशामदीद। सर सर आपसे शुरू करते हैं। नकवी साहब, अभी मुझसे बेसिक चीज बता दें कि आज जिस पॉइंट पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है कश्मीर के बारे में, आपको क्या लगता है इससे आगे वाला स्टेप, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डिप्लोमेसी का भी बताइए और एज ए स्टेट होलसम भी बताइए। देखिए, बात यह है कि दो जुमले मैं पहले इसके बैकग्राउंड का बताऊं कि कश्मीर का मसला दुनिया के उन दो मसलों में से है जो कि 70-72 साल से अभी तक हल नहीं हुआ है। सही बात। दूसरा मसला है फलस्तीन का। दोनों मुसलमानों के मसले हैं, यानी कि ये मसले दोनों मुसलमान ममालिक के हैं और नौयत भी बहुत हद तक जैसी है। अब कश्मीर का मसला 50 की दहाई, 60 की दहाई, 70 की दहाई में सर्द जंग का शिकार था, कोल्ड वॉर का, क्योंकि जितने मर्तबा रेजोल्यूशंस यूएन में आए या इंट्रोड्यूस किए गए उसमें वो सोवियत यूनियन उस जमाने में जो था वो वीटो कर देता। तो इस सारे फेजेस से गुजरते हुए 89 में एक फिर से नई मुहिम वहाँ शुरू हुई, एक नई इंसर्जेंसी शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। बुरहान वानी के शहादत के बाद तो और भी उसने तूल पकड़ा है। ठीक। अब इस वक्त जो वहाँ पे जद्दोजहद हो रही है उसकी हिमायत करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का मौकफ उसूली तौर पे, पाकिस्तान ने उस पर अपनी पूरी सपोर्ट दी है और हमेशा उसका साथ, कश्मीरियों का साथ दिया। तो
इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब, ये दोनों शख्सियतें सारे दुनिया में राबते कर रहे हैं और बुला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी जो दोस्त वज़ीर ख़ारजा आज तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिफारती काविशें बहुत हैं और बड़ी अच्छी हैं और पायदार हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, देखिए ये इंक्रीमेंटल चीज है, ये कल को हल नहीं हो रहा, वो तो ठीक है। हाँ। तो इंक्रीमेंटली अब हमें इस चीज को मजीद और इसको डेवलप करना है। अब होगा क्या, यूएन जनरल असेंबली आ रही है सितंबर के तीसरे हफ्ते में, उसमें 27 सितंबर, हाँ जी, नहीं असेंबली शुरू होती है 20 या 19 को और फिर इनकी तकरीर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो 27 को है। मैं तो यूएन में रहा हूँ ना, बीबी, आई हैव बीन 3 इयर्स इन द जनरल असेंबली, तो मैं जानता हूँ वो 19th या 20th सितंबर, थर्ड ट्यूसडे, आपको उम्मीद है उनसे सर, थर्ड ट्यूसडे ऑफ द मंथ वो शुरू होती है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आगाही दुनिया में इस जो अभी जो वज़ीर आज़म साहब तकरीर करेंगे उससे जो पूरी 200 के करीब जो मेंबरशिप है जनरल असेंबली की वो उसमें आगाही होगी इस मसले की और मुलाकातें होंगी और फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल से जो वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी उसमें बहुत मुमकिन है कि फिर से सिक्योरिटी काउंसिल इस पे मीट करे, इस पे अपना इजलास करे और सिक्योरिटी काउंसिल बहुत कुछ कर सकती है, यानी वो एक ऐसी बॉडी है जो कि स्पेशल एनवॉय मुकर्रर कर सकती है, जो कि 50 की दिहाई में 2 बार या 3 बार हमारे कश्मीर पे स्पेशल एनवॉय मुकर्रर हुए। यूएन अनमोगिप UNMOGIP जो है उसको स्ट्रेंथन कर सकती है और तीसरे रेजोल्यूशन की तरफ जा सकती है। तो रेजोल्यूशन पे जब आएगी तो मैं समझता हूँ कि भारत के ऊपर उसका बहुत सख्त दबाव होगा। सर आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँ, आप ही के आपने ये बताया कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईस्ट पे आ सकती है सिक्योरिटी काउंसिल, जी 70 सालों में नहीं आई है, अब कैसे उम्मीद है आपको? नहीं ये 70 साल का गलत है बीबी, नहीं चले आप समझ लें जब से उन्होंने करारदादे दी उस वक्त से ऑनवर्ड समझ लें, मसला 70 सालों से उनकी नजरों में मौजूद है, 70s 80s में। हाँ वो इसलिए कि जो मैंने आपको बताया कि ये सर जंग की शिकार है ये प्रॉब्लम और ये उसके बाद ये जो कश्मीर में इंसर्जेंसी रही है वो कुछ हमारे यहाँ हमारी हुकूमतों की भी कोताहियां हैं, ठीक बात है, जो कि उस वक्त उन्होंने नहीं रेज किया। इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं PTI का नहीं हूँ और ना मैं किसी और पार्टी का हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत कर रही है, काफी काम कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा नवाज साहब अभी से अगला स्टेप पे आ जाते हैं, अभी नकवी साहब कहते हैं कि एक आगाही एक अवेयरनेस क्रिएट होगी जो सिक्योरिटी काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 27 को, उससे इससे पहले ये तमाम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान अवेयर नहीं थे? देखें डॉक्टर साहब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सिक्योरिटी काउंसिल का ओवरऑल रोल क्या वो इससे पहले अवेयर थे या नहीं, देखें जब आपकी ओवरऑल पोजीशन पे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम रोल होता है किसी भी मुल्क के खास जो बैरूनी ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने या कम करने के लिए या किसी दूसरे मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए, यकीनन यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा है जिसमें तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं उनकी वहाँ पे मेंबरशिप है। अब वहाँ पे जब तक आपकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक दुनिया आपकी बात क्यों माने, जिस तरह से अब काफी स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है। देखें उस दूसरे नफ्सी से काम ना लें, बताइए स्ट्रांग है कि नहीं। देखें मैं वही कह रहा हूँ कि अब पहले के कंपैरेटिवली आपके जो कोल्ड वॉर के कल तक जो रशिया के साथ ताल्लुकात काफी हद तक डिस्टर्ब थे, लेकिन अब रशिया के साथ हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और बाकी काफी चीजों में हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। चाइना के साथ आपकी रीजनल पावर होने के साथ मैं परसों आ रहा हूँ चाइना से, वन बेल्ट एंड वन रोड एक कॉन्फ्रेंस थी, ओवरऑल चाइनीज पब्लिक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को देखें, लोगों का देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो वो काफी पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव है।
थर्ड वन, आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी मुस्लिम उम्मा, जिसकी सबसे वाज़े मिसाल आज दुनिया के जो दो अहम इस्लामी मुमालिक के वज़राए खारजा, देखें ये चीज़ें होती हैं जो पीसफुल आपके डायलॉग्स जिनमें आपकी पोजीशन को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। शायद माजी में हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि उसके इंटर एक्सटर्नल जो इतनी इशूज़ थे, जिनमें एक एम्बेसडर साहब ने अभी वाजे किया कि कोल्ड वॉर थी, दो एक सुपर पावर्स थी, एक तरफ से जो एक्शन होता था तो दूसरी एकदम वीटो करती थी। आज उसके बजाय मोनोपोली है अमेरिकन का, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे लिए भी ऑप्शन है। दूसरा, अच्छा, आप ये बताना चाहते हैं कि इस बार अवेयरनेस जो है इस बात की भी दी जाएगी कि अब हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि ये हमारे काम चल रहे हैं रशिया के साथ या चाइना के साथ। हमारा मोकोफ, मेरा मतलब है, काफी पहले के कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग हो चुका है, अभी भी हो चुका है और हो रहा है। दूसरा, आपकी देखें जो आप मैसेज देते हैं वो सबसे पहले आपके इंटरनल इश्यूज होता है कि आप इंटरनली किस हद तक स्ट्रांग हैं, फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है जिसके एक्सटर्नल इश्यूज जिनके थ्रू आप हाईलाइट करते हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं, हतमी राय तो हम नहीं दे सकते, वो तो तभी हो सकता है जब आप, यकीनन इसमें कुछ टाइम लगेगा, एकदम से ये नहीं है कि इसी नेशनल असेंबली के जो यूनाइटेड नेशन का सेशन होगा और उसी में एकदम से कोई डिसीजन होगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेप्स हैं, हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए। जो हम लॉबिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हम जो अपनी टेक्निक्स डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, या इंटरनली जिन चीजों को हम हाईलाइट कर रहे हैं, अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने शो कर रहे हैं, और उससे सॉफ्ट इमेज अभी भी सॉफ्ट ही करना पड़ेगा। यकीनन देखें, आप अगर एक पुरमन तालुकात पे यकीन रखते हैं तो यकीनन आप अपनी, हम दोनों तरफ से तैयार हैं, लेकिन हम कभी भी एग्रेसिव एटीट्यूड ना शो किया है ना कर रहे हैं। दूसरा देखें, हमें प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा एडवांटेज ये, इंडिया खुद शायद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है जिस तरह से, वो तो ठीक बात होगी। अच्छा, दो पॉइंट्स, एक तो नकवी साहब ने कहा कि पहली जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी कोताहियां उसमें भी होती रही हैं, अब की बार वो कहते हैं मैं पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये है कि इस बार गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग स्टैंस जा रहा है इक्वल बेसिस पे। अच्छा, लेकिन एक और चीज जो कमी लगती है समटाइम, कि क्या आप ऑपोजिशन को भी साथ लेके चल रहे हैं इस स्टेट के रियासत के सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे? उनके बयान डिफरेंट हैं बहुत ज्यादा। ऑपोजिशन के साथ रابطे जारी हैं, ऑपोजिशन में कुछ लोगों के शायद ये बयान हो सकते हैं, लेकिन जनरली कंसेंसस सबका एक है, कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, नहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तरीका होता है ना, वो एक तरीका बता रहे हैं आप, एक तरीका से चल रहे हैं, तो उस तरीके पे आप ऑपोजिशन को साथ लेके जा रहे हैं? देखें, हर किसी को अपना राय का हक है, जिस तरह मैंने कहा ऑपोजिशन में भी देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, कुछ जो है वो बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ जरा हॉकिश से हैं, कुछ थोड़े से नेगेटिव हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह अगला जब सेशन आएगा तो आप देखेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत इस इशू पे एक पेज पे होगी, एक पेज पे। इसमें मैं एक दो और चीजें करना चाहता हूँ। एक चीज जो हम शायद अभी उसको इतनी रोशनी इस गुफ्तगु में नहीं डाली, वो है द मैनर जिस तरीके से भारत ने आर्टिकल 370 और 35 को उसको जिस तरह उन्होंने रिपील किया, जिस तरह वहाँ पे ब्लॉकेड है, जिस तरह वहाँ पे तकरीबन महीना 25 दिन 31 हो गया 31 दिनों के जितना वहाँ पे वो कर्फ्यू है, और जिस तरह उन्होंने सबको इस मैनर के साथ भी हमारा केस स्ट्रांग हो गया। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन एक है, उनकी रिपोर्ट देख लें, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक कश्मीर कमेटी है उसकी रिपोर्ट देख लें, और उस मतलब वो सारी चीजें लिंक हो रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट आई, दोनों में काफी, और उसके बाद इंडिया ने अपनी हठधर्मी दिखाई, उन्होंने जिस तरीके से किया तो वो भी हमें एक ह्यूमैनिटेरियन एज देता है, और जो हम जिस तरह उसको कर रहे हैं। दूसरी एक चीज बात यह है कि इस चीज को अब हमने इमोशंस अपनी जगह जरूर हैं, लेकिन हमने इसको स्ट्रेटेजिकली देखना है, अपने ऑप्शंस वे करने हैं कि आगे हमने किस तरह जाना है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी इतने दिनों के बाद फॉरेन मिनिस्टर ने ये किया, इतने दिनों के बाद प्राइम मिनिस्टर ये किया, आप बैठ के इस पे प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं। Do we have any option or space to be a more soft towards India? I think जितनी सॉफ्टनेस हमने दिखानी थी ट्रेडिशनली वो हो गया, अब we are going to be firm. I don't think कि इस वक्त, because कश्मीर is a nuclear flash point. ठीक बात है। तो हम उसको although वो हम हर जगह पे मतलब we are not going to flaunt our nuclear position, but responsible state की तरह नहीं है। escalation में कुछ तो escalation letter तो एक बार चल गया तो किसी के हाथ में नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ठीक हो। तो we are, वो हम reason की तरफ जा रहे हैं कि जी let's go, let's resolve this.
और इसके ऊपर हमने क्लियर जिस तरह आज भी हुकूमत की तरफ से जो बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वो भी यही है कि हम हर लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं इफ नीड बी। ठीक हो गया। लेकिन साहब ओआईसी बनाई तो सोच के गई थी कि शायद ये एक यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट था, शायद कि बहुत एका कर देगी उम्मा को या तमाम मुस्लिम ममालिक को, लेकिन आपने और हम सब जानते हैं कि उसका रोल कोई इतना फंक्शनल नहीं रहा प्रैक्टिकल रियलिटीज की बेसिस पे अगर देखते हैं तो। आज फिर सुषमा स्वराज गई थी पिछले दिनों और उसके बाद एक स्टेटमेंट वहां से आई, हम बड़े खुश हो गए इतनी सी बात में भी। आज फिर वो ओआईसी का इजलास बुलाने की कोशिश होती है और फिर ममालिक बैठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं अरब ममालिक में से कई जो हैं वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं मोदी को, एजाज से नवाजा जा रहा है। देखिए बात यह है कि ओआईसी जो है वो बनी थी इसलिए कि मस्जिद अक्सा में आग लगी थी। ठीक बात है। ये 1969 की बात है, 1969 व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन रबात इन मोरक्को, और उस वक्त भी अरबों में वो जो सोच है उम्मा की जो हमारे यहाँ पाई जाती है वो नहीं है। मैं 2 अरब मुल्कों में सफीर रहा हूँ और मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मैं मेरे बहुत से अरब दोस्त हैं। अच्छा। लेकिन वो आपको पता है, मैं एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट बताऊं कि ये इंडिया को भी मेंबर बना रहे थे। अच्छा। इन 1969 ये इंडिया को भी मेंबर बना रहे थे ओआईसी का और याहिया खान हमारा सदर था और याहिया खान बैठ गया अपने होटल के कमरे में और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा कॉन्फ्रेंस में अगर इंडिया उसमें आया, और वो सारे दिन बैठा रहा क्योंकि वो कोशिश में यूं आए बाएं, ही रिफ्यूज टू एंटर द हॉल। तो ला मुहाला अरबों ने फिर इंडिया का नहीं मूव किया, वरना वो लोग रेजोल्यूशन मूव करके उनको भी मेंबर बना रहे थे इसलिए कि वहां मुसलमान आबादी है। अच्छा, तो ये अरबों में शुरू से ही ये मसला है, हमारे भाई हैं और हम उसको बदल नहीं सकते और हम बस यही चाहेंगे कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, लेकिन साफ बात यह है कि उनका रवैया सही नहीं होता है, इसलिए ओआईसी से खास उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बंदे क्लियर होना चाहिए हमें कि हम किससे उम्मीद रखें किससे नहीं उम्मीद रखें। एग्जैक्टली। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ज्यादा कोशिश हमारी यूएन में होनी चाहिए। अच्छा। चाहे वो मुश्किल हो, ओआईसी में रेजोल्यूशन मिल जाएगा कश्मीर के ऊपर, नहीं वो कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी सुषमा स्वराज के दफा भी मिल ही गया था। बिल्कुल। और सुषमा स्वराज को मतलब इतनी खातिर उसकी हुई अननेसेसरी, और ये अरब जो है ये असल में ये हिस्टोरिकल भी होता है कल्चरल भी होता है। अरब हिंद को, अरबों में हिंद एक तस्वुर है पुराना और वो हिंद को अच्छा समझते हैं। हम हिंद को जानते हैं और हम हिंदुओं को जानते हैं और हिंदू ऐसा है जो कि कहीं कोई मुसलमान गोश्त भी खा ले या वो कोई गाय लेके टहल भी रहा हो तो उसको पकड़ के मारेंगे। तो यानी कि दे आर इरेशनल पीपल। आप एक एनिमल से इस तरह के आपने उसको गौ माता बना रखा है। सही है। तो यू नो ये चीजें अरब नहीं जानते। हाँ। और वो बस हिंद का जो तस्वुर है ये सर वो डिफरेंस सच बात अगर ये है कि शायद वो अपने इंटरेस्ट की तरफ देख रहे हैं, उनके इंटरेस्ट जो है अमेरिका कल्चरल उसके अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी कल्चरल मैंने बताया लेकिन साथ साथ प्लस इकोनॉमिक। हाँ। यानी इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, पावरफुल कंट्री, बिग मार्केट और अमेरिका के बड़े अलायंसेस में से है और एग्जैक्टली। सो यू आर ऑन द राइट साइड इफ यू आर विद इंडिया। बिल्कुल सर। हमें एक ब्रेक चाहिए होगा, इसके बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। हर रोज पाकिस्तान में सुख का आगाज, रोजनामा पाकिस्तान सरदार खान न्याजी की जेर इदारत, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, कराची और कोयटा से वक्त वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का कसीर उलाशाद रोजनामा पाकिस्तान। कौमी और बैन अल-अक़वामी हालात व वाकयात का आईनादार हमने पहुंचाई आपकी आवाज इख्तदार के आला इवामों तक।
बेबाक तजिए और तबसरे, हिम्मत लगन और जुस्तजू के साथ। जुर्म के मैदान से शोबिस की दुनिया तक, रोजनामा पाकिस्तान। कायद आजम ने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा, पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तायुन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। जी, वापस आते हैं प्रोग्राम की जानिब। अपने बात कर रहे थे बीके अरब ममालिक का, सर नकवी साहब जैसे कह रहे थे कि जो रोल है पहले भी कोई इतना मुस्बत नहीं रहा मुस्लिम उम्मा के स्पेशली तरफ, और आज के दौर में तो अरब ममालिक ही हैं वो जिन ममालिक ने सबसे पहले कहा कि शाम पे हमला किया जाना चाहिए, और उसके बाद यमन में क्या हो रहा है ये भी हमारे सामने, और पूरी इवन मिडल ईस्ट की जो बेल्ट है उसके सामने। सर कहते थे जिनकी जिन पे तक किया था वही पत्ते हवा दे गए, तो फिर इनसे तो उम्मीद बिल्कुल ना रखें। बिल्कुल नहीं। एक बात और मैं कहूंगा, इसमें जनरलाइज करना जरा सा उतना सही नहीं है। अरब मुल्कों में जो अरब अवाम है ना, वो आपके साथ हैं, और अरब हुकूमतें वो बहुत मसलहतन काम करते हैं, तो जो अवाम है वो बहुत प्रो पाकिस्तान होते हैं। ये कैसे हम जज कर सकते हैं? वो आप जब हमारा मिलना जुलना होता था। आपको मैं बताऊं, मैं जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, मैं जॉर्डन में सफीर था, तो आम लोग सड़क पर से भागे भागे आते थे। हाँ, सऊदी अरब में भी ये बात रिकॉर्ड हुई। मुबारकबाद देते थे, हाथ मिलाते थे, गाल चूमते थे, खुश होते थे। तो ये तो आम पब्लिक का, लेकिन गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ठीक बात है, सही बात। मेरा जाती ये ख्याल है, बिल्कुल नकवी साहब ठीक कह रहे हैं कि अवाम का बहुत है टिल्ट पाकिस्तान की तरफ, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है और जो एंगेजमेंट होती है वो मतलब इस इशू के बाद भी हमने इसी जगह रहना है, इसी रीजन में है। ये जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं ये भी इधर होंगे, हम भी उधर होंगे। हमने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी करना है कि हम माजी में हमसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो गई थी, और एंगेजमेंट जो है वो हमेशा जारी रखनी है। हम मतलब किसी को भी इस पॉइंट पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि नहीं जी तो बस इनको तो छोड़ दे और उनको तो छोड़ दे। एंगेजमेंट हमने हर किसी के साथ करनी है, डिप्लोमेटिक मूव जो है वो चलती रहनी चाहिए, करते रहना है। और हमारी देखें मुल्क जो होते हैं ना, इस रियलिस्टिकली हर मुल्क उम्मा वाली बात बिल्कुल अपनी जगह है, अपना मफाद पहले देखता है, हर कोई देखता है। और आई थिंक कि हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। हमारी इकोनॉमी इस वक्त थोड़ा सा क्रंच टाइम पे गुजर रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। 60s में बहुत अच्छे थे, अब जो है हम जरा क्रंच आ गया है। और ये उस दिन कुछ अर से पहले चाइनीज एम्बेसडर के साथ मेरी एक मीटिंग थी, तो वो कह रहे थे कि जी हमारी जब 40 साल पहले हम स्टार्ट ले रहे थे तो ये इससे ज्यादा मुश्किलात हमारे वो भी थे। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भी हमारी इकॉनमी इज सेट टू टेक ऑफ। तो मतलब ये जिस तरह इकॉनमी बढ़ेगी, हालात चेंज होंगे, तो सारा सिनेरियो भी हो जाएगा, रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे, जो आपको इस वक्त उतना वो नहीं कर रहे वो आपके साथ और अच्छे हो जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड हैव आवर ऑप्शंस ओपन, किसी को हमने वो नहीं करना। अच्छा, नवाज अली साहब, नकवी साहब भी कह रहे हैं, अरबाब साहब भी कह रहे हैं, हम भी जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई मूव करना चाहती है, किसी किस्म का भी पोजीशन लेना चाहती है, तो वो ले सकती है, उसके पास अथॉरिटी भी, और माजी में वही कर चुके। इन्फोर्समेंट लॉ नाम का इन्होंने लॉ बनाया, और जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की लॉ था वो अप्रूव करवाया, और 8 दिन में हमने देखा कि 8 दिन के बाद कारपेट बॉम्बिंग अफगानिस्तान में हो गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल के दिनों में भी उसने रेजोल्यूशन पास करा के और लॉज बनाए हुए, ये बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो सिक्योरिटी काउंसिल से उम्मीद रख लें फिर?
देखें, आप इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है। आपने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को अगर इस्तेमाल करना है तो यकीनन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उनको तो सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो एग्जांपल दी उस वक्त को और उस हालात को और उस स्टेट को जिसने टारगेट बॉम्बिंग या जो कुछ किया उसको, इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो सिर्फ अमेरिकन्स की थी जिसमें पूरी नेटो और बाकी फोर्सेस दुनिया के कई ममालिक उनके साथ थे। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास इतनी प्रॉपर लॉबिंग, इतनी ज्यादा सपोर्ट होगी तो शायद इसके नतायज वो ना निकले जो आप कोट कर रही है, क्योंकि वो नहीं, हम तो सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए इस तरह से तो इंटरनेशनल लॉ को भी अगर हम देखें तो वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं इसमें पूरी दुनिया बढ़ चुकी है, खाली अमेरिकन्स की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दो रीजनल पावर्स हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया है जिनके लिए आपस की टसल चल रही है। उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे इस वक्त की अगर जो लॉबिंग और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स और बाकी जो चीजें चल रही हैं जिसमें हम ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की इंगेजमेंट, जिसमें जिस तरह OIC की बात की गई, यकीनन उसका कोई एक्टिवली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक तरफ से सबके साथ जो है अपनी स्टेटस को क्लियर करने के लिए सबके साथ एंगेजमेंट की तो पॉलिसी रख सकते हैं। सो सिक्योरिटी काउंसिल में शायद उतनी 100% तो हमें श्योरिटी नहीं है कि वो एकदम से हमारे कहने पे, लेकिन शायद कुछ टाइम लगे, कुछ प्रेशर बिल्डअप हो इंडियंस के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा अरबाब साहब, इमरान खान साहब के बारे में एक जो कश्मीरियों का कई ग्रुप्स हैं जिनके साथ बातचीत हुई और रिपोर्टिंग आई, वो कहते हैं बहुत सॉफ्ट स्टैंस ले रहे हैं, मोदी माइंडसेट और हिंदुत्वा माइंडसेट जो इस वक्त रूलिंग पा रहा है हिंदुस्तान की, वो ऑब्वियसली पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं, ये वो रूलिंग पा रहा है जिसने गांधी को भी मारा था, ये वो रूलिंग पा रहा है जो कम्युनल फसादात के भी जिम्मेदार रहे हैं, और वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं अगर तमाम नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ को मिलाते हैं तो उनकी हिंदुओं से ज्यादा पॉपुलेशन बन जाती है। तो कुछ ग्रुप्स का ये कहना है कि इमरान खान का स्टैंस जो है वो काफी सॉफ्ट हो गया उनके अगेंस्ट। देखिए एक तो एक जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है, एक है हिंदुइज्म, एक है हिंदुत्व, इन दोनों में फर्क है। तो हम हर हिंदू को उस लेंस RSS या BJP के लेंस से नहीं देख सकते, इसलिए हम माइंडसेट कह रहे हैं। RSS और BJP जो आइडियोलॉजी है दैट इज, वो मोदी होता, अमित शाह होता, हर कोई होता, दे उन सब ने वही काम करना था। बिल्कुल, हमने किसी शख्सियत को मोदी, इट्स ऑल अबाउट ही हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर, माइंडसेट ऑफ कल अमित शाह उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर होता, कोई और होता तो करना उन्होंने वही था, बिकॉज आइडियोलॉजी वही है। एक बात, सो हिंदुइज्म हिंदुत्व टू डिफरेंट थिंग्स। दूसरी बात यह है कि जहां तक आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट है, असल में कोई उसमें जितना, अच्छा ये हम नहीं कह रहे, वो कहते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने, तो ये कश्मीरियों के कई ग्रुप्स हैं जो ये बात करते हैं। इसमें देखें जिस तरह की हालात हैं और जिस तरह की पोजीशन है, इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं, एक वो तो, एक तो ये है कि इस उसमें यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। दूसरी बात ये है कि वी हैव टू, हमने बड़ा सोच समझ के करना है, बिकॉज इसमें जो ऑप्शन एक जो मिसिंग, आई मीन जिसपे भी डिस्कशन नहीं हुआ, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो एक ऐसा है जहाँ पे आपका कुछ जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनका ख्याल है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल केस इन द, हमने बेसिक जो हमारी कामयाबी वो ये है कि हमने इस मसले को उठाना है, दुनिया के सामने रखना है, और दुनिया को हमने दो तीन चीजों के ऊपर वो करना है कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, दूसरा इट्स अ फ्लैश पॉइंट, कल को एस्केलेशन हो गई तो खुदा ना खास्ता एस्केलेशन में तो कहीं भी चीज जा सकती है, कल को कोई इससे कोई न्यूक्लियर लेवल तक बात गई तो किसी के फायदे में नहीं है, ना हमारे सबसे पहले कश्मीरियों के फायदे में नहीं है, फिर हमारे फायदे में नहीं है, इंडिया के फायदे में नहीं है, और पूरी दुनिया के फायदे में नहीं। और DGSPR जो है वो अपने कॉन्फ्रेंस में भी ये कह चुके हैं कि जब हम कह रहे हैं कि लास्ट बुलेट और लास्ट सोल्जर, इसका मतलब है उसके बीच के सारे ऑप्शंस अप्लाई हो गए हैं। सही बात है, तो वो मतलब वो सारी चीजें हैं, सो दिस इज व्हाट, और इसके ऊपर पूरा काम जारी है। वो ये बेसिकली वो हमारे पश्तों में कहावत है, ये रेत का सफर है, इसको हम अगर तेज जाएंगे तो थक जाएंगे, और अगर आहिस्ता जाएंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं हमने, ठीक हो गया। अच्छा नकवी साहब, ये जो मीडिएशन है, मोदी गवर्नमेंट तो कहती है या मोदी माइंडसेट तो कहता है कि हमें मीडिएशन कश्मीर पे नहीं चाहिए, ट्रंप के पास जाके क्या करते हैं फिर वो और क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कुछ बहुत ही कुछ माजरा है कि क्या इनका वहां पे क्या रवैया रहता है, क्या बातें करते हैं, क्योंकि जो इमरान खान की जो मुलाकात ट्रंप के साथ हुई थी,
जिसमें कि ट्रंप एकदम से बोल पड़ा कि ये मीडिएशन की बात मुझसे मोदी ने की है। हाँ जी, हाँ। तो वो कुछ लगा के जैसे कि वो मन घड़त नहीं ऐसी बात कर रहा होगा, कोई ना कोई उसमें बेसिस उसका था। अगर मोदी ने उससे कोई ऐसी अप्रोच की है और फिर बाद में पेरिस में भी बात की है, बियारिट्स में और वहां जाके G7 के समिट के वक्त, तो कुछ है। लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिएशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए मीडिएशन में होगा क्या? वो समझौता मसालेती कंसीलिएटरी एफर्ट्स होंगी और फिर ये होगा कि भाई ये इसको इसी तरह एक्सेप्ट कर लिया जाए, कश्मीरियों के जो हकूक हैं वो वैसे ही पामाल हो रहे हैं, उसका कुछ नहीं निकलेगा। तो मीडिएशन से आप क्या हासिल करेंगे? इंडिया की अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया अमेरिका के लिए बहुत अहम एक मुल्क है, खास तौर पे चाइना को काउंटर इस खत्ते में जिसको भी कंटेन कराना उसने उसी से कराना है। जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उसके तहत आप समझते हैं कि इंडिया से वो कुछ दिलवा देंगे? नहीं पॉसिबल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मीडिएशन में हमें, ठीक है, गुफ्तगू के खातिर अच्छा है, मीडिएशन का एफर्ट हो रहा है तो हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, अगर मीडिएटर नहीं है तो डायरेक्ट डायलॉग कह रहे हैं आप? डायरेक्ट डायलॉग को तो वो कह चुके हमने बात ही नहीं करनी। हाँ, चुके बात ही नहीं करी। अमीन जी, जी अरबाब साहब का पॉइंट ये है कि अब मैं आपको हाइपोथेटिकली बताता हूँ कि आप अगर पॉइंट क्या है, इंडिया क्या कहता है, कहता है कश्मीर हमारा इंटरनल अफेयर है। उनका पॉइंट ये कि इंटरनल, उसने ट्रंप को भी ये जवाब दिया, अगर कल को थर्ड पार्टी मीडिएशन होती है तो वो पॉइंट उनका वीक हो जाता है कि वो क्या अपने इंटरनल अफेयर पे थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए राजी हो गए। तो अगर दुनिया कहेगी कि भी हम इसमें मीडिएट करना चाहते हैं, ये हमारे, मेरे नजर में हमारे फायदे में, अगर दुनिया कहती है कि ये आप लोगों का बायलैटरल मसला है, तो ये फिर तो ना कोई प्रेशर होगा इंडिया पे, ना कोई हम उनको किसी चीज पे, दुनिया उस पर पुश कर रही है। और इस चीज में जो एक और फैक्टर है जो हम कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि इतने सालों से इस दफा जो सिक्योरिटी काउंसिल में चीजें फास्ट ट्रैक हुई, उसमें बिकॉज आपके साथ चाइना भी साथ खड़ा था, चाइना ने इसमें आपके साथ काफी हेल्प की है। और जिस तरह की आज उन्होंने अपना दौरा मुल्तवी किया जो स्पेसिफिकली पहले से प्लान था, जिस तरह की स्टेटमेंट्स चाइनीज एम्बेसडर ने दिए हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी है, उस तरह के स्टेटमेंट्स आपने और टर्की के अलावा और किस मुल्क ने दिए? सो एंड देयर अ वीटो पावर एंड जिस तरह की मल्टीपोलर दुनिया है, इट इज वन ऑफ द रीजनल और वन ऑफ द ग्लोबल पावर्स। ठीक, आपने कहा जी मीडिएशन जो है एक तरह से पाकिस्तान की फेवर में जा सकती है। अच्छा, नकवी साहब का पॉइंट था कि नहीं जा सकती। मैं एक बस इस पर बात कहूंगा कि इसलिए नहीं जा सकती है कि बजाहिर तो अच्छा लगेगा कि इस पे ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है या थर्ड पार्टी इसमें दाखिल हो रही है, वो बजाहिर हमारे फेवर की बात है जो कि अरबाब साहब ने कहा है, वो ठीक है। लेकिन मैं आगे देख रहा हूं उसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं समझता हूँ नतीजा हमारे फेवर में नहीं होगा किसी भी मीडिएशन से। अगर हम 1-to-1 करेंगे तब नतीजा फेवर में होगा? नहीं, 1-to-1 तो वो और भी नहीं होगा। आपको नहीं मिल रहा ना, मसला क्या है? आप पूछ रही थी ना कि 70 साल से क्यों। अच्छा चले, अगर इस तरह ले लेते हैं कि अगर हम 1-to-1 जाते हैं वो बेटर है या हम मीडिएशन के थ्रू जाते हैं वो बेटर है? आई थिंक नहीं, उस लिहाज से मीडिएशन में जाहिर है वो फिर उस पे आ जाए। इसमें एक और बात भी है, ये जो है ना, ये इंटरनेशनलाइज तो हो रहा है, वो कहते हैं ना फॉग ऑफ वॉर, हमें एक खास हद तक नजर आता है, हमने आगे नजर नहीं आता। तो इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, दैट इज वन माइलस्टोन, हम मीडिएशन तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे वी विल री एग्जामिन आवर ऑप्शंस कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, बिकॉज मीडिएशन पे तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि जी जो होगा फैसला, थर्ड पार्टी मीडिएशन ठीक है, फिलिस्तीन में हुए हैं, किसने माना है? बहुत सी चीजें फिलिस्तीनियों ने नहीं मानी, बहुत सी चीजें इजरायलियों ने नहीं मानी, तो एटलीस्ट वो एक स्टेप तो है ना, मतलब इंटरनेशनलाइज भी हो गया और दूसरा ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो कल को वो कह सकते हैं कि जी इनका मौकफ ठीक है, इनका मौकफ ठीक नहीं, तो वी हैव दैट मॉरल हाई ग्राउंड। ठीक है। अच्छा नवाज अली साहब, लॉबिंग में पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है?
देखिए मेरा ख्याल है कि लॉबिंग में हमारी तो जरूरी नहीं कि फंसे हैं तो हमेशा हमने अच्छी अच्छी बात करनी, सच बता दें नहीं देखिए ताकि बेहतर कर सकें और लॉबिंग अपनी। लेकिन ये देखें एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज हैं हमें वो भी तो मद्देनजर रखना होगी। लॉबिंग में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का केस इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए, और यही एक बड़ी रीजन है जिसकी वजह से कश्मीर का इशू माजी से इतना हाईलाइट नहीं हुआ। आप कंपैरेटिवली अगर खाली पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडिया को देख लें तो उन्होंने हर जगह पे उनकी बड़ी स्ट्रांग लॉबिंग थी। तो ये हमारी एक वीक पॉइंट है जिसकी वजह से, और दुनिया में जब आप अपने बैरूनी ताल्लुकात को हाईलाइट करवाते हैं तो यकीनन उसमें एक अहम फैक्टर आपकी लॉबिंग का होता है जिसकी वजह से आप दुनिया में अपने इशू को, अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट या अपना नैरेटिव पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, और उसमें यकीनन क्रेडिट या जो सही या बुराई जो भी कहें वो जाता है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन। इसकी ट्रेजेडी ये है कि पिछली गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। यू कैन वेल इमेजिन जब आपकी पूरी, मतलब मैं किसी उसके पार्टी के ऊपर नहीं लेकिन मैं ओवरऑल एक पूरी जो कंट्री की पिक्चर है जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने जो फॉरेन पॉलिसी में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको एक्टिवली रखना होगा, लॉबिंग करनी होगी, अपना नैरेटिव को हमने मजबूत बनाना होगा, दुनिया तक पहुंचाना होगा। जब आपका नैरेटिव जब स्ट्रांग होगा तो यकीनन, अब ये मतलब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले दिनों मेरी अपनी एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस था बीजिंग कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे जितनी कंट्रीज थी उनमें मैक्सिमम 50% लोगों को ये पता ही नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टसल चल रही है इंडियन प्रोपेगेंडा की वजह से, वो लोग पहले ही यही समझ रहे थे कि नहीं ये जो कुछ हो रहा है। इसमें फिर आप खाली डिप्लोमेसी को ना कहें ना, इसमें तो फिर मीडिया भी शामिल है जो अवेयर ही नहीं कर रहा लोगों को। देखिए आप फॉरेन, जब आप बाहर की लॉबिंग की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल जब आपके अफेयर्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है जो थ्रू आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के जिसमें आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, फिर उसमें आपके कौन कौन से मीडिया के पिलर्स आते हैं। एग्जैक्टली मीडिया के तो उनका काम है, उनका डिसीजन लेना है कि अब आपने फर्दर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आपने स्ट्रांग रखना है। ठीक हो गया। अच्छा अरबाब साहब मैं आपसे भी और नकवी साहब आप भी इस सवाल को सुन रहे हैं, ये हमारे यहाँ निज़ाम होता था, अभी भी है खैर निज़ाम कबायली इलाकों में भी होता है और पंजाब में भी, कि जो पटवारी होता है उसकी जो से है वो ज्यादा होती है। इवन चौधरी ने भी कोई काम कहना है तो या फिर सरदार ने भी कोई काम कहना है तो वो पटवारी को कहता है और फिर तब उसका काम हो जाता है। आज भी बल्कि अगर आपको वोट चाहिए तो आप पटवारी के पास पहले जाते हैं, फिर वो आपके तंबू में बंदे इकट्ठे करता है और फिर लोग काम मामले होते हैं। तो यानी जो पटवारी की लॉबिंग है इसका मतलब है ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हम अच्छे पटवारी नहीं बन सके। पटवारी जो है वो तो शायद 11 स्केल का एक सरकारी कामयाब रह गया ना, लॉबिंग तो लॉबिंग तो करता है ना। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें हाँ लॉबिंग में हमें आउटरीच की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें एक और चीज़ जो होती है जो नॉर्मली लोग करते हैं, जहाँ जहाँ मतलब जो आपके मुल्क हैं जो मूवर्स एंड शेकर्स, US हो गया, EU हो गया, इस तरह के यूरोप में मुल्क हो गए, रशिया हो गया, चाइना, वहाँ पे आप जो है या तो आप अपने थिंक टैंक्स बनाते हैं या आप अपने उनके वहाँ पे थिंक टैंक्स के साथ अलाइन होते हैं। अच्छा। ताकि वो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन और फॉरेन पॉलिसी को आपके लिए लॉबिंग करके इन्फ्लुएंस कर सके। इस फ्रंट पे इंडिया हैज डन बेटर देन अस, बट अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट पे देखें तो उसने मालदीव भी नहीं छोड़ा, उसने भूटान भी नहीं छोड़ा, उसने श्रीलंका नहीं छोड़ा, उसने नेपाल नहीं छोड़ा। और देखें जितना उनके पास दे हैव वास्ट रिसोर्सेज, दे हैव वास्ट फंड्स, दे हैव वो कर सकते हैं। हम जो है इस वक्त थोड़ा सा ऑस्टेरिटी वाली इश्यूज भी हैं, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद इन द लिमिट, जितने भी हमारी लिमिटेशन हैं, हमारा मेरा ऑब्वियसली मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम काफ़ी अच्छा कर चुके हैं और ये इट इज़ नॉट ओवर। और वही वाली बात कि ये मेरा भी एक वक्त में ये ख्याल था कि जी इकोनॉमी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, एब्सोल्युटली ज़रूरी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने यू हैव टू टेक रिस्क। कश्मीर इशू, आपके लाखों 70-80 लाख मुसलमान हैं जो कि इस वक्त एक बड़े जेल में फंसे हुए हैं, दे नीड आर हेल्प। जिस तरह आज भी कहा गया, सरकार हुकूमत पाकिस्तान ने जो कहा कि हम हर हद तक जाएंगे, इसका यही मतलब था कि जरूरत पड़ी तो हम हर ऑप्शन एग्जॉस्ट करेंगे, और ये इंटेंशन भी है, ये इरादा भी है, और ये करना भी चाहिए। इकोनॉमी के इश्यूज अपनी जगह, वो इंशाल्लाह उस पे काम हो रहा है, लेकिन इस चीज पे कोई लेटअप नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा नकवी साहब, आपसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ आपसे कंक्लूजन चाहती हूँ मैं कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए या सुनने वालों को, लॉबिंग पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी 3 चीजें हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए, कोशिशें अभी भी जारी हैं करने की, कौन सी 3 चीजें आपकी एक्सपीरियंस की नज़र में? लॉबिंग का देखिए ना, आप लॉबिस्ट को हायर करते हैं, उनको आप
कंसल्टेंसी फी देते हैं, एक मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी ऐसे फर्म से या कंपनी से जो कि आपके लिए लॉबिंग करती है। दुनिया ने अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू भी लॉबिंग करवाई। नहीं, लॉबिंग उन डिप्लोमेट जो करते हैं वो तो अपना वो कैरिंग आउट द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वो तो लॉबिंग तो है ही, वो तो लाजमी होनी है। लेकिन जो लॉबिंग जिसको कहा जाता है वो लॉबिंग होती है व्हेन यू इंगेज ए फर्म एंड आप उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम हमारी प्रोजेक्शन करो, तो वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। और मैं बताऊं क्यों, मैं वॉशिंगटन में रहा हूँ और वहां पे लॉबिस्ट जो हमने हायर किया था और उनको बहुत हम देते थे उनको कई लाख डॉलर। अच्छा। और वो हमसे आके पूछते थे कि ये कैसे इसको प्रोजेक्ट किया जाए, इसके आप बताइए स्ट्रेटजी। तो मैं उसको कहता था कि तुमने हमारा काम करना है या मैंने तुम्हारा काम करना है। आई मीन आई यूज्ड टू गिव देम अ हार्ड टाइम और मैं कहता था कि तुम जाके होमवर्क करो अपना। तो फायदा खास नहीं होता है, ये अपना इंटरेस्ट देखते हैं क्या काउंट करता है। देखिए बैनुल अक्वामी सियासत बहुत पेचीदा है, उसमें असल काउंट करता है इकोनॉमिक क्लाउट। और असल प्रॉब्लम भारत की का ये हमारा ये है कि भारत का इकोनॉमिक क्लाउट बहुत हैवी। और आपने जो एक बात की थी ना वो पटवारी की, जी सर, तो पटवारी को छोड़ के चौधरी की बात करते हैं, पटवारी तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, चौधरी जो होता है ना वो उसकी मिसाल ज्यादा मैं समझता हूँ मुनासिब है, क्योंकि चौधरी जो है वो मोहल्ले में एक हैसियत रखता है, बड़ी हैसियत। तो चौधरी की बात बाकी लोग सुनते हैं और कोई और जरा मामूली हैसियत का आदमी होगा तो उसकी बात कम सुनेंगे। तो बेसिकली आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना है और जब आप वो करेंगे तो आपकी ज्यादा सुनी जाएगी। ठीक बात होगी, बहुत शुक्रिया सर। आज के प्रोग्राम में वो चीजें जो जाननी चाहिए थी लोगों को इस वक्त पे अवेयरनेस के लिए वो आपकी वजह से पहुंचे लोग, बहुत शुक्रिया। गोल्डा मेयर एक बहुत ही बेहतरीन लीडर गुजरी हैं इसराइल की और उनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी डील करने जा रही थी उस वक्त की, उनके मुल्क के लिए नहीं, उस वक्त की ऐसी बड़ी डील थी जो बाकी बड़े ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ी डिफेंस डील कंसीडर होती थी। उनके पास अमेरिका से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजे गए एलची आते हैं, उनके की तरफ से भेजे गए एम्बेसडर आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आता है, डिफेंस मिनिस्टर आता है और ये बहुत बड़ी डिफेंस डील, उस वक्त की बहुत बड़ी डिफेंस डील करने के लिए वो उनके किचन में कुछ फाइलें लेके आते हैं और वो उनके पास कुछ कप और कुछ प्यालियाँ रखती हैं, उसमें केतली से चाय डालती हैं, बीच में बातचीत होती है और उन्हीं की बातचीत के बीच में चाय ख़त्म होती है, कुछ पेपर्स पे साइन होते हैं, डील फाइनल होती है, वो लोग चले जाते हैं। गोल्डा मेयर उसी छोटी सी टेबल पे उन्हीं कप और पिर्चों को उठाती हैं, उन्हें धोकर रखती हैं साइड पे और अगले दिन अपनी पार्लियामेंट से खिताब करती हैं और उनको वजह बताती हैं कि मैंने इतनी बड़ी डिफेंस डील क्यों साइन की। एक चीज देखने वाली इस पूरी डील में ये थी कि वो उस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी और एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हो रही थी, लेकिन सादगी का आलम यह था कि वो ज्यूश नहीं लग रहे थे, वो हजरत उमर के दौर के कुछ लोग लग रहे थे क्योंकि ये सादगी की मिसाल सिर्फ उन्हीं के दौर में मिलती थी। दूसरी चीज जो उसने अपने पार्लियामेंट में आके कही, उससे सवाल पूछे ये जा रहे थे कि आपने ये जो डील साइन करने जा रही हैं या आपने की है, इसके बाद पूरे का पूरा इजराइल जो है भूख से और फाकों से मर जाएगा। उसने कहा फाकों से और भूख से मरने की बात तो शायद बहुत ही तल्ख हो गई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई साल तक मेरे मुल्क के लोगों की टेबल पे बहुत लवाजमात खाने के शायद नहीं होंगे, उन्हें बहुत सादगी से जिंदगी गुजारनी होगी, लेकिन ये डिफेंस डील आज की जरूरत है हमारी बका और इस्तेहकाम के लिए। वो डील फाइनल होती है और उसके बाद उस डील के फाइनल होने के नतीज में इसराइल उभरता है और उसके बाद हमने देखा, तारीख ने देखा, दुनिया ने देखा कि उसने अपनी जो बात थी वो मनवा ली, जोर से जबरदस्ती से जैसे भी मनवाई और उसने मनवाई। गोल्डा मेयर रिटायर होती हैं और उसके बाद एक इंटरव्यू देती हैं जिसमें वो कंसेंट ये लेती हैं कि मेरे मरने के बाद ये शाया किया जाए और पूरी जो बात और रेफरेंस है वो मेरे मरने के बाद लोगों तक पहुंचाई जाए वरना मेरे लोग जो हैं मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो इंटरव्यू देती है, उस इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि आपको किस कुव्वत ने इस बात पे मजबूर किया था या कौन सी कुव्वत आपको मिल गई थी कि आपने इतनी बड़ी जो डील थी वो साइन कर ली।
गोल्डा मेयर कहती हैं, कुछ वक्त पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है उसको, यानी मोहम्मद नाम के एक शख्स की किताब पढ़ी थी। उस किताब में मैंने जब देखा कि वो शख्स जो दुनिया के बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में था, उस वक्त का ऐसा शख्स था जिसने बहुत इन्फ्लुएंस पाया और उसने अपनी इस दुनिया से जाने के बाद भी इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा और आज दिन तक भी उसका इन्फ्लुएंस बरकरार है, लेकिन उस शख्स मोहम्मद की जब इंतकाल हो रहा था, वफात हो रही थी, उस वक्त उसके सरहाने पे कुछ खजूरें या कुछ कप पानी के पड़े हुए थे, एक प्याला पानी का पड़ा हुआ था, और ये बहुत ही कसम पुरसी की हालत समझी जाती है इतने बड़े लीडर के लिए। लेकिन एक चीज जो नोटिसेबल थी, उसके सरहाने पे 9 तलवारें लटक रही थी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि इस्तेकाम और बका पहले जरूरी है और उसके बाद ये देखा जाता है कि आपके पास लवाजमात कितने मौजूद हैं। इस चीज ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मोहम्मद इसीलिए इतना पुरस और इन्फ्लुएंशियल इंसान बन गया, इसलिए शायद बेहतरीन सिपहसालार बन गया, इसलिए बेहतरीन लीडर बन गया, क्योंकि उसने बका और इस्तेहकाम जो है उसको सबसे प्रायोरिटी दी। उसने कहा कि बहुत सी कौमें जी लेती हैं अगर उनकी टेबल पे, नाश्ते की टेबल, खाने की टेबल पे बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, उनकी नाश्ते की टेबल पे अगर मक्खन, ब्रेड और मलाई नहीं है तब भी वो जी लेती हैं, लेकिन इस्तेकाम और बका और डिफेंस दिफा नहीं है तो फिर वो बका नहीं हो सकती, वो जी नहीं सकती। मेरी कौम इसलिए शायद आज खड़ी है क्योंकि मैंने उस वक्त पे उस शख्स का दिया हुआ जो लेसन था उस पर मुनसर करके एक डिसीजन लिया। ये पूरा वाकया उसने तो शायद अपनी समझ के मुताबिक समझ लिया, लेकिन इस वाकये से बहुत सी चीजें जो हमें समझनी चाहिए हम आज दिन तक नहीं समझ सक रहे। लेकिन क्यों नहीं समझ सक रहे, उसकी मिसाल शायद आज हमें मिल जाती है जब हम देखते हैं कि हम सादगी को शायद एक बहुत ही दकियानोसी चीज समझते हैं। हम देख लेते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी डीलों के लिए बहुत बड़े बड़े मामले चाहिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े बजट चाहिए होते हैं, इसलिए शायद आज हम इस जगह पे हैं। लॉबिंग के लिए ये तमाम चीज़ें भी शायद हमें बहुत ज़रूरी हैं। आज के प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद अमारा में इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।